हरे कृष्णा। ये कुछ 3-4 सेशंस का एक कार्यक्रम श्रवण कीर्तन का रखा गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो भक्त लोग शरणागत हैं या दीक्षित हैं, साधु संग करना तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधु संग करते हैं तो साधु संग में भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या समस्याएं, चुनौतियाँ सामान्यतया हम अनुभव करते हैं। तो जैसे कि चैतन्य चैतामृत में हम सुनते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। तो ये जो साधु संग है ये कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है, और कृष्ण प्रेम की स्थिति में भी यही मुख्य अंग है। यानी आरंभ में, मध्य में, हमेशा साधु संग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये एक तो भाग ये होगा इस सेमिनार का कि हम साधु संग के अंदर कैसे हमें सेवा करनी है और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, उसको कैसे डील करना है, ये एक भाग होगा। और उसी से संबंधित चुनौतियों को कैसे हमें डील करना है, उसी से संबंधित विषय आएंगे कि श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या है, उसको गहराई से समझना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। साधु संघ में मिलकर के सेवा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समझना कि हमारे संस्थापक आचार्य के निर्देश क्या हैं। अगर हम उन निर्देशों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम क्या करना चाहिए, हमारा विचार, उसका विचार, मतभेद, समाधान कहाँ आएगा? गुरु साधु शास्त्रों से आएगा। तो गुरु साधु शास्त्र को समझना श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के आधार पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद के मूड एंड मिशन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में एक सेशन होगा जिसमें आप सभी के जो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे मंदिर यहाँ भोपाल को लेकर के, कुछ आपको लगता है ऐसी चीज़ें हैं मैनेजमेंट को लेकर के या प्रचार को लेकर के, प्रचार के तरीकों को लेकर के, प्रचार की अलग अलग क्रियाओं को लेकर के, जिसमें आपको लगता है कि कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, तो आपको कोई भी आपके सुझाव हैं मैनेजमेंट को लेकर के या प्रचार को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सत्र होगा। तो आप लोग अपने जो भी आपके कुछ मन में हैं चीज़ें, उनको आप लिख सकते हैं, लिखित रूप में हमको दे सकते हैं आपके प्रश्न या सुझाव, और उसके ऊपर हम लोग एक सत्र में चर्चा करेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 4 सत्र होंगे। आज शनिवार है, आज एक सत्र, फिर कल को, और फिर आने वाले शनिवार रविवार को। इस प्रकार से 4 सत्रों में हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो सर्वप्रथम साधु संघ के महत्व को के संबंध में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, तो कुछ श्रील प्रभुपाद के उद्धरणों के आधार पर हम चर्चा करेंगे, जो श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग लेटर्स के द्वारा चीज़ें बताई, जिसमें कुछ व्यावहारिक चीज़ें आती हैं। सामान्यतया पुस्तक जो हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जो हैं, उनमें हमें सिद्धांतों के विषय में मुख्य रूप से जानने को मिलता है। उसके साथ साथ कुछ व्यावहारिक चीज़ें भी होती हैं, जो उनका ज़्यादा विवरण हमें श्रील प्रभुपाद के जो वार्तालाप हैं उनके शिष्यों के साथ, या अलग अलग परिस्थितियों में उनके शिष्यों ने जो उनसे प्रश्न पूछे उसका उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं, कुछ व्यावहारिक चीज़ों को के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, तो इसलिए वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा व्यावहारिक चीज़ें के विषय में मदद मिलती है, इसलिए हम उसका समावेश यहाँ पर किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक पत्र में, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए कृष्ण के भक्तों का संग करने के लिए महत्वपूर्ण बल दिया है।
क्योंकि कृष्ण के प्रति हमारा सुप्त प्रेम भौतिक अवगुणों से ढका हुआ है, लेकिन शुद्ध भक्त की संगति होने पर वह तुरंत जागृत हो जाता है। तो मुख्य अंग कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इसको साधु संघ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहला मुख्य है ये साधु संघ, बहुत सारे कारण हैं पर उनमें कुछ कारण देखें तो एक तो है कि ये जो आपस में हमारा साधु संघ है उससे हमारी पूरी भक्ति का आधार ही वो है। सारी भक्ति सेवाएं क्रियाएं हम साधु संघ में ही करते हैं। हमारा जो परिष्करण होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, वो भी साधु संघ के कारण ही होती है, और जो प्रेम का आस्वादन होता है वो भी साधु संघ के कारण ही होता है। अगर हमें हमारे इस प्रचार के मिशन को बढ़ाना है तो उसमें हमें आपस में मिलकर के सहयोग करना होगा। साधु संघ का के लिए जरूरी है कि आपस में सहयोग की भावना हो। संघ मतलब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं। जब बहुत से लोग मिलकर कुछ करेंगे तो उसमें आपस में सहयोग होना जरूरी है। अगर आपस में सहयोग नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर न केवल साधु संघ से हम मिलकर के कार्य नहीं कर पाएंगे बल्कि साधु संघ में रहना नहीं चाहेंगे। हमें लगेगा कि अच्छा है हम तो अकेले ही भक्ति करें, क्योंकि जब हम साथ में आते हैं तो हमारे तो मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं। तो इसलिए ये सहयोग कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप आपस में मतभेद के बिना संयुक्त रहते हैं तभी आप लोग एक बड़े अद्भुत स्तर पर भगवान की सेवा कर पाएंगे, जिससे वास्तविक रूप में हमारे मिशन का विस्तार होगा। इसीलिए कृपया भगवान कृष्ण के लिए इस मिशन को शांतिपूर्वक निष्पादित करने का प्रयास करें, जिनके लिए आप सभी ने अपना जीवन समर्पित किया है। तो यहाँ पर क्या विषय श्री प्रभुपाद इंगित कर रहे हैं, हमने अपना जीवन जो है भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया है, हम भगवान की सेवक बनना चाहते हैं, और उस सेवा का एक महत्वपूर्ण भाग है अन्यों को कृष्ण भक्ति में लेके आना और पूरे संसार को कृष्ण भगवान की इच्छा के अनुसार संपादित करना। तो अगर हम संयुक्त रूप से सहायता, एक दूसरे की सहायता करते हुए करेंगे तो अद्भुत स्तर पर भगवान की सेवा कर पाएंगे, और अगर हम अकेले 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 कुछ प्रयास करेंगे, मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा, कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रचार के लिए बहुत बड़ा कार्य है ना, पूरे संसार के अंदर जो पूरा ये माया जगत है उसकी विपरीत बुद्धि को परिवर्तित करना बहुत बड़ा बड़ी चुनौती है ये। तो अगर हम अलग अलग अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो क्या इतनी बड़ी चुनौती को हम कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आपस में सहयोग करना होगा, मिलना होगा। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मिशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर हमारे अंदर ये मिशन की समझ है, हमें केवल अपनी भक्ति नहीं है, हमें अन्यों को भी भक्ति में लेके आना है, और अन्यों भक्ति को लेके आने के लिए इस पूरे समाज को भी बदलने की आवश्यकता है। यदि ये हमारे अंदर समझ है तो हम सहयोग करने के महत्व को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और अपनी भक्ति करने के लिए भी हमें यह समझना होगा कि केवल अपनी भक्ति करने की भावना को से ऊपर जाना होगा। अपनी भक्ति के लिए भी अगर हम केवल सेल्फिश हैं भक्ति के लेकर भी, कि मुझे बस अपनी प्रगति करनी है, मुझे संसार से क्या पड़ा, किसी का कुछ भी हो जाए मैं तो बस अपनी भक्ति करूँगा, ये बहुत ही नियोफाइट मेंटेलिटी है, बहुत ही एक आरंभिक स्तर की मेंटेलिटी है। इससे हमारा बहुत अच्छे से प्रगति नहीं होगा जब तक हमारे अंदर ऐसा विचार रहेगा, क्योंकि भक्ति का ये स्वभाव है कृपा। अगर हमारे अंदर भक्ति पनपेगी तो उसका कृपा होना, दूसरों को भी ये भक्ति देना, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि भक्ति के बिना हमारा जीवन शून्य है, सभी जीवों का शून्य है, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण की अप्रसन्नता है ना। अगर कोई भी जीव भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं है तो कृष्ण अप्रसन्न है, तो हमारी भक्ति का
आधार क्या है? यही समझ कि कृष्ण प्रसन्न हो। तो कैसे कोई भी व्यक्ति केवल अपनी भक्ति से संतुष्ट हो सकता है कि मैं बस प्रगति करूं? इसका मतलब उसके अंदर वो जो भक्ति की जो समझ है वो अधूरी है उसकी। वो उसको अपनी प्रसन्नता ले रहा है, ना कि कृष्ण की प्रसन्नता। हमारी प्रसन्नता है कृष्ण की प्रसन्नता में, है ना? ये समझ जरूरी है। तो इसलिए मिशन की स्पिरिट होना सब में बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी नहीं है सब लोग व्यासासन पर बैठ करके प्रवचन दें, जरूरी नहीं है सब लोग पुस्तक वितरण करें। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कार्य हो सकते हैं प्रचार के अंदर, लेकिन प्रचार की भावना सबके अंदर होना नितांत जरूरी है। ये भक्ति का स्वाभाविक गुण है। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान हमारे को भक्ति सिखाने आए हैं, तो उसमें ये प्रचार मिशन है ना, उनका मिशन हमारा मिशन बनना चाहिए, तब हम उनकी सेवा करना सीखेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन है यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसलिए वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में भक्ति प्रसारित करने के लिए हमें एक दूसरे से सहयोग करना होगा, और उस सहयोग के द्वारा जो सेवा भावना है वो बलिष्ठ होगी। क्योंकि अपने अपने लिए हम अगर अपनी सेवा, हाँ अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग की जरूरत नहीं है, और फिर उससे सेवा भी नहीं होगी कुछ ढंग से, और फिर भी हम संतुष्ट हैं। इसका मतलब सेवा करना हमारे लिए जीवन में प्राथमिकता में नहीं दिख रही है। इसके विपरीत यदि हम प्रचार करने के लिए विवश हैं कि हम सहयोग करेंगे अपने निजी स्वार्थ को साइड में रख करके, तो उससे हमारी प्रगति होगी, क्योंकि हम अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकलेंगे। हम कृष्ण की को संतुष्ट करने के लिए अपने निजी स्वार्थ का बलिदान देंगे। हमें बहुत सारा बलिदान देना होगा, स्वार्थों का बलिदान, अनर्थों का बलिदान, इसके बिना हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपस में सहयोग करना है, ये हमारे स्वार्थों के बलिदान देने के लिए हमें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अगर केवल हम अपने अपने घर में अपनी अपनी भक्ति करने में संतुष्ट रहने का सोचेंगे, तो उसमें हमारे अनर्थों का, हमारे स्वार्थ का बलिदान नहीं होगा, और जब उनका बलिदान नहीं होगा तो वो हमारे साथ बने रहेंगे, तो वो फिर हमारी प्रगति में बाधक बनेंगे, है ना? तो इसलिए जरूरी है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृपया संयुक्त होकर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम दुनिया में शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु अगर हम अपनी ही संस्था में थोड़ी सी अशांति दिखाते हैं तो यह अच्छा उदाहरण नहीं होगा। दूसरा कारण प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हमारा पूरा संदेश है कि पूरे जगत में शांति का हमारा प्रस्ताव है ना, पूरे जगत में शांति स्थापित करनी है, और हमारे अंदर अशांति है, तो फिर शांति का हमारा जो प्रस्ताव है पूरे जगत को लेके आने का, वो खोखला हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अगर हमारे अंदर हम आपस में मिलकर के सहयोग कर ही नहीं सकते हैं, सब अपने 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 कर रहे हैं बस, कोई सहयोग है ही नहीं, तो फिर हम जो पूरा हमारा मिशन है कि पूरा संसार कृष्ण की सेवा में एकजुट होकर के एकजुट हो सकता है भगवान की सेवा के लिए, और तभी वास्तव में शांति स्थापित हो सकती है। ये जो हमारा आंदोलन है ये कैसे कार्य करेगा यदि हम थोड़े लोग ही मिल करके आपस में संयुक्त होकर के भगवान की सेवा के लिए मिल नहीं पा रहे हैं आपस में, तो फिर हम कैसे पूरे संसार को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर आगे श्रील प्रभुपाद एक और कारण बताते हैं क्यों हमें सहयोग करना चाहिए भक्तों को आपस में। हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए जरूरी है कि हम सहयोग करें, व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी जरूरी है। श्री प्रभुपाद एक पत्र में कहते हैं कि आपने जो अन्य भक्तों की भक्ति के प्रति उनकी सराहना की है वो अति उत्कृष्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि जो एक गंभीर भक्त की सराहना करता है वह भगवान के परम गंतव्य को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं यदि भगवान देखते हैं कि भक्तगण एक दूसरे की भक्ति सेवा के प्रति प्रशंसनीय हैं, प्रशंसनीय एक दूसरे की भक्ति के लिए प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रति उनकी अच्छी भावना है, तो भगवान इसको देख के प्रसन्न होते हैं। और अगर भगवान देखते हैं कि कोई भक्त का ईर्ष्या है तो प्रसन्न होंगे वो? नहीं होंगे, तो हमारी प्रगति कैसे होगी फिर? तो इसलिए अन्य भक्तों की भक्ति सेवा को देख करके
उनके अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी गंभीरता से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो देख करके हमारे हृदय में हर्ष होना चाहिए। इसको देख करके भगवान के हृदय में हर्ष होगा और उससे फिर हमारी और प्रगति होगी। और अगर भगवान देखेंगे हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष है तो भगवान अप्रसन्न होंगे, जब वो अप्रसन्न है तो हमारी प्रगति नहीं होगी। फिर आगे श्री प्रभुपाद एक अन्य पत्र में लिखते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि हम कृष्ण का श्रवण और जप करने में एक दूसरे की सहायता कर सकें। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, हमें सपोर्ट चाहिए। अपने आप में बड़े कमज़ोर हैं माया के आगे, लेकिन जब हम साथ में मिलते हैं तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, उत्साह मिलता है हमें एक दूसरे से। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो फिर हम निरुत्साहित हो जाएंगे, कभी भी माया कभी भी हमको पकड़ लेगी, हमें कोई बचा भी नहीं पाएगा, है ना। और अकेले अकेले रहते हैं तो अकेले तुम नहीं रहते हैं, माया साथ में रहती है, ठीक है। तो माया तो है ही इस जगत में, तो अगर हम भक्तों के साथ में नहीं हैं और केवल अकेले रहने का प्रयास करेंगे तो माया ही केवल हमारा संग देने के लिए वहाँ उपस्थित होगी और इसलिए हम उसकी पूरी गिरफ्त में आ जाएंगे। विशेष रूप से जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर बड़े चढ़े नहीं होते हैं, तो क्या आध्यात्मिक स्तर पर बड़े चढ़े होने से हम अकेले रह सकते हैं? नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर जब हम बड़े चढ़े होते हैं तो हम भौतिक धरातल से परे आध्यात्मिक धरातल पर गुरुजनों का, महान भक्तों का संग कर पाते हैं, लेकिन आरंभिक अवस्था में ये संभव नहीं होता है। इसलिए आरंभिक अवस्था में भौतिक स्तर पर भी भक्तगण का संग आवश्यक होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए अभी हम सबकी आरंभिक अवस्था ही है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने घर में बैठ करके जप कर लूँगा, अपने घर में बैठ करके सब सेवा कर लूँगा, वो खुद अपने आप में एक माया की चाल है। तो हमेशा हमें भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। अभी ये जो भक्तों का संग है, ये तीन स्तर पर इसको सोचना चाहिए। एक है जो अपने से वरिष्ठ हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनके साथ संग। दूसरा है हमारे जो समकक्ष हैं उनके साथ संग। और तीसरा है जो अभी भक्ति में हमसे कम प्रगत हैं उनके साथ हमारा संग। ये तीन स्तर पर भक्त संघ की परिकल्पना हमें करनी चाहिए। जो हमसे अधिक उन्नत हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे हमें संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, एक। दूसरा, उनको प्रसन्न करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस। महत् सेवा, जो हमसे बड़े चढ़े हैं वो उनकी प्रसन्नता, हमारे कार्यों से उनकी प्रसन्नता होगी यदि, तो हम समझ सकते हैं कि गुरु परंपरा, पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य और कृष्ण प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो जो हमारे गुरुजन हैं उनसे, उनके साथ हमारा संग इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उनको शुश्रूषा, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। मायापुर प्रभु, इधर माताओं की पंक्ति, आप इधर इधर आ जाइए। शुश्रूषा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक नीच दास की तरह से अपने गुरुजनों की सेवा पे हमें तत्पर रहना चाहिए। उनसे हमें भक्ति ज्ञान मिलेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हम नहीं सुनते हैं, गुरुजनों की को शरणागत होकर के, उनकी सेवा करके, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछ के हम प्रगति करते हैं। तो हमें भक्ति में ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी प्रसन्नता के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे और वो हमें सुधारेंगे भी, हमारे अनर्थों को भी ठीक करेंगे। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एव अस्य छिंदंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी। तो साधु के जो वाक्य हैं वो हमारे अनर्थों काटते हैं। अगर हम अकेले अकेले रहेंगे, हमारे वरिष्ठ हमें नहीं देख रहे हैं, हम उनके साथ संग नहीं करते हैं,
तो क्या होगा, हमारे जो अनर्थ हैं वो कौन काटेगा, हमारी गलत चीज़ें कौन इंगित करेगा, हमें कौन सुधारेगा, हमारी गलतियों को कौन देखेगा। तो इसलिए ये हमें हमारा कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा ऐसे भक्त का संग हमारा हो जो हमें सही कर सकें, हमारी गलती को देखकर उसको सुधार सकें, और ऐसा वातावरण हमें रखना चाहिए कि वो हमारी गलती को दिखा सकें। अगर हमारा व्यवहार ऐसा है कि जो हमारे गुरुजन हैं, वरिष्ठ हैं, वो भी उनको भी डर लगता है हमें कुछ बोलने में, तो फिर वो फिजिकली साथ में है लेकिन फिर भी हम वास्तव में उनका संग नहीं ले रहे हैं। और जो हमारे समकक्ष हैं उनके साथ तो हमें साथ में मिलकर के सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, मिलकर के सारी योजनाएं, जैसा भी जन्माष्टमी था तो कितने सारा अवसर था मिलकर के सेवा करने का। फिर दूसरा, असत संग त्यागने का अवसर प्राप्त होता है, असत संग से बचने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि हमें अकेले तो हम रह नहीं सकते, हमारा स्वभाव ही है कि हम मिलकर के ही रह सकते हैं। तो अगर हम हमारे साथ समकक्ष के भक्त नहीं हैं, क्योंकि गुरुजन तो कुछ होंगे लेकिन ज़्यादा मात्रा में तो हमारे समकक्ष भक्त ही होंगे, तो अगर हमारे समकक्ष भक्त का संग हम लेने के लिए कतराते हैं तो फिर स्वाभाविक है हमें कुछ अभक्तों का संग करना पड़ेगा, या तो हम वही माया का संग करेंगे बैठ करके। दोनों ही असत संगी हैं, है ना, खाली बैठे हुए हैं तो माया हमारे मन के अंदर प्रवाहित कर रही है, और असत संग कर रहे हैं तो माया उनके माध्यम से प्रभावित कर रही है, तो दोनों ही गलत हैं। और जो हमसे कनिष्ठ अवस्था में हैं उनका संग भी लाभदायक है, क्योंकि उसके बहाने, उसके द्वारा हमें प्रचार करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तीनों ही संग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे से वरिष्ठ भक्तों का संग, हमारे समकक्ष और हमसे कनिष्ठ। ठीक है, भक्त संग तो महत्व तो कुछ सुना, लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि बहुत आसान भी नहीं होता है संग करना, चैलेंजिंग भी होता है बहुत। अपने वरिष्ठों का संग कर रहे हैं तो वरिष्ठों के निर्देश, वो हमारी गलतियां निकालते हैं तो हमें कष्ट होता है ना, उनके निर्देश आते हैं आप ऐसा करो आप ऐसा करो, तो फिर वो मुश्किल होते हैं कई बार उसको पालन कर पाना, हमारी फॉल्स ईगो के ऊपर एक बड़ा प्रहार होता है, ये सब चीज़ें होती हैं तो मुश्किल होती है। जो समकक्ष होते हैं उनसे अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, साथ में जब करते हैं तो मतभेद होते हैं, है ना, दूसरों के अनर्थ दिखते हैं और वो अनर्थ हमें, उनसे द्वेष होता है उसकी वजह से, या तो हमें ईर्ष्या होती है, समकक्ष कोई है वो अच्छी प्रगति कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहे, तो हमें ईर्ष्या होती है, उससे फिर हम परेशानी होती है साधु संघ के अंदर रहने में। तो इस प्रकार से समस्याएं भी होती हैं संघ के अंदर, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये समस्याओं का निवारण क्या है, नहीं तो हम इसकी वजह से साधु संघ करने में कतराएंगे। तो उपाय ये नहीं है कि हम साधु संघ करना छोड़ दें, वो उपाय नहीं है समस्याओं का, वो तो अपने आप में माया है, लेकिन साधु संघ में जो समस्याएं, चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं उसको कैसे ठीक करें, वो ना हो, या उससे हम प्रभावित नहीं हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमें सीखना होगा। तो ये हमारा अभी आज का मुख्य विषय है। सबसे पहले तो परेशानियाँ आती हैं हमें आपस में, क्योंकि सभी का अलग अलग एक स्वभाव होता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मृत बर्तन, बर्तन जिनमें कोई जान नहीं है, बेजान बर्तन भी यदि आपस में एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसमें भी आवाज़ आती है, तो हम तो प्रभुपाद बोलते हैं हम तो लिविंग यूटेंसिल्स हैं, हम तो जीते जागते बर्तन हैं, तो जब हम साथ में मिलते हैं तो स्वाभाविक है खटर पटर होगी, करेक्ट। तो सबके स्वभाव अलग हैं, सबके कार्य करने की शैली अलग अलग हैं, तो इसको लेकर के आपस में तनाव उत्पन्न होता है। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है, उसकी ये आदत अच्छी नहीं लगती है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके विषय में, क्या करना चाहिए, तो कुछ प्रभुपाद के उद्धरणों में से पढ़ेंगे, पत्रों में से। मैं समझ सकता हूँ कुछ विषयों या मुद्दों पर
आप गर्ग मुनि से असहमत हैं, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि असहमति का विषय क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गर्ग मुनि की गतिविधियों को अध्यक्ष प्रेसिडेंट जयानंद द्वारा स्वीकृत किया गया है, और जहाँ तक मैं गर्ग मुनि को जानता हूँ, वह उसके अंदर व्यापारिक चातुर्य है, परंतु उसका उद्देश्य इस संस्था को आर्थिक रूप से सहयोग करना है। वह जो कुछ भी कार्य करते हैं, वह अपने निजी हित के लिए नहीं, बल्कि भक्त समाज के हित के लिए करते हैं। यदि आपको कोई विशेष शिकायत है तो कृपया मुझे बताएं, लेकिन अपने गुरु भाइयों और गुरु बहनों से किसी भी प्रकार की असहमति से विचलित ना हो। यहाँ प्रत्येक जीव एक व्यक्तिगत आत्मा है, और एक दूसरे के साथ व्यवहार में असहमति बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें सभी सेवाओं के केंद्र बिंदु पर विचार करना होगा। तुम दोनों बहुत बुद्धिमान समझदार लड़कियां हो, और मुझे आपके बारे में अच्छा अनुमान है। किसी भी समय असहयोग का रवैया ना अपनाएं, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि आप एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत ना हो। तो यहाँ पर क्या प्रभुपाद क्या उपाय बता रहे हैं यहाँ पर? अगर ऐसे आपस में हम हैं, कुछ असहमति हो रही है, तो क्या चीज़ समझने से वो हम विचलित नहीं होंगे ऐसे असहमति पर भी? कोई भक्त बताना चाहेंगे? अभी जो हमने पढ़ा उसमें से क्या चीज़ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं? जी आशीष जी, वेरी गुड। तो एक पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से, कि हमें देखना चाहिए कि दूसरा जो व्यक्ति है, जिससे हमको तकलीफ है, जिस चीज़ से तकलीफ है, उस चीज़ को करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य उसका गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, लेकिन उसकी कार्यशैली अलग है हमसे, या हमें लग रहा है वो त्रुटिपूर्ण है, लेकिन उसका उद्देश्य हम देख पा रहे हैं कि उद्देश्य तो भगवान की सेवा करना ही है, उसका अपना कोई पर्सनल उसका हेतु नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। कम से कम उद्देश्य सही है। ठीक है, अगर त्रुटिपूर्ण भी है, अगर हमें लग रहा है, एक तो हो सकता है कि हमें लग रहा है हो नहीं त्रुटिपूर्ण, ये भी एक संभावना लेके चलनी चाहिए, क्योंकि हम तो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही सही है ना। हाँ, अगर हमें असमंजस है तो फिर गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें पता लगाना चाहिए, वो ठीक बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि राइट एंड रॉन्ग नहीं है, अलग अलग कुछ तरीके भी हो सकते हैं चीज़ों करने में, लेकिन कम से कम अगर त्रुटि भी है तो त्रुटि में भी कम से कम ये समझना चाहिए, यदि उस व्यक्ति का उद्देश्य सही है तो फिर इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसको उस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी का आपको हमको लग रहा है कि इसका तो उद्देश्य ही गलत है, ये तो अपने कुछ अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा है, तो वो बड़ी चीज़ है, तो फिर तो हमें गंभीरता से उसको सोचना चाहिए। बाहर है? ओके। तो लेकिन ये निष्कर्ष पे आने से पहले तो बहुत विचार करना पड़ेगा कि क्या व्यक्ति का मोटिवेशन, हेतु ही कुछ गलत है क्या? मान लीजिए आपने कोई एक चीज देखी, उसने ऐसा किया, क्या उस एक दृष्टांत से क्या हम, उसकी भावना क्या है, उसकी मन, उसकी उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या हम बिल्कुल गारंटी से कह पाएंगे कि यही उसके पीछे मोटिवेशन होगा? इतना सरल नहीं होता है ना, किसी के हेतु को समझना इतना सरल नहीं होता है ना। गतिविधियों को देखना सरल है, उसने ऐसा किया, उसमें भी कई बार समस्या होती है ना? देखने में भी, लेकिन देखना फिर भी सरल है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई भी व्यक्ति के उद्देश्य को, कैसे हम समझेंगे कि कोई, हम देख रहे हैं व्यक्ति की कोई क्रिया है, उस क्रिया के पीछे क्या उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे? कोई सुझाव, किसी व्यक्ति के उद्देश्य को हम कैसे समझ सकते हैं? सोचिए। हाथ ऊंचा करके, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्टिविटीज से हम पता लगा सकते हैं। एक एक्टिविटी,
एक एक्टिविटी से ही पता लगा सकते हैं, नहीं कोई एक्टिविटी कोई भी एक एक्टिविटी तो एक एक्टिविटी देखा जाता है कि ये एक्टिविटी इनका मिस कई सारी। तो एक तो पहली चीज है कि कोई एक सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कोई एकांकी उदाहरण से निष्कर्ष पे आने में बहुत रिस्क है कि हम गलत समझ लेंगे। कोई व्यक्ति के आंतरिक मनोभाव को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ रहना होगा, साथ मिलकर सेवाएं करनी होंगी एक समय अंतराल में, फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग उसकी गतिविधियां, अलग अलग परिस्थितियों में क्या उसने किया, कैसे किया, तब जा कर के कुछ हमें अच्छा आइडिया आएगा कि उस व्यक्ति के हेतु क्या है। एक चीज़ को देख करके तो बहुत संभावना है कि वो किसी और विचार से किया होगा ये काम, हमें कुछ और समय में आ रहा है। इस बात से सहमत हैं कि कोई एक चीज़, एक एक्टिविटी, एक इंसिडेंट, एक घटना को देख करके निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप सब लोग गृहस्थ भक्त हैं तो आप लोग वैवाहिक जीवन में भी देखते ही होंगे ना, है ना। जब हम पति पत्नी जब आप लोग साथ में रहते हैं तो धीरे 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 साथ में रहते हैं तो आपको फिर एक दूसरे की आंतरिक भावना क्या है, समझ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, उसका समझ लगता है ना। तो उसी प्रकार से भक्त समाज में हमें तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए भावनाओं को लेकर के, उसकी उसकी पीछे के उद्देश्य क्या है, इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत भावना है तो उसको एक मन में कोने में डाल दीजिए कि अभी ये कन्फर्म नहीं है, पता नहीं क्या है, देखेंगे, है ना। समय बीतने दीजिए, साथ में सेवा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और धीरे 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 देखिए। और फिर ऐसा भी देखिए, ऐसा भी देखना होगा कि अन्य जो गंभीर भक्त हैं क्या सभी लोग इसी प्रकार से सोच रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या किसी व्यक्ति के बारे में। हालांकि वो थोड़ा जटिल विषय है, ऐसा नहीं कि हम जा करके दूसरों से चर्चा करने लगे आपको क्या लगता है उनके बारे में, आपको क्या लगता है, वो भी एक सेंसिटिव इशू है, है ना। तो वो तुरंत नहीं करना चाहिए, पहले तो अपने ऑब्जर्वेशन देखने चाहिए अलग अलग परिस्थितियों में क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेसिकली भक्तों के बीच में एक प्राथमिक जो भावना होनी चाहिए वो श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। ओरिजिनली हमें ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि सब भक्त लोग एक अच्छी भावना से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके कोई अलग मोटिवेशन नहीं है, इसको एक सामान्य रूप से लेके चलना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि गारंटी है कि हर भक्त जो भी मंदिर में आ रहा है, जिसने भी कंठी पहनी, जिसने तिलक धारण किया, जो भी इवन इनिशिएटेड भी है, उनकी निश्चित रूप से भावना सही होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अनर्थ तो है हमारे अंदर और हम शुरुआत में ठीक हो सकते हैं, बाद में पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, तो ये सब संभावनाएं भी बैकग्राउंड में हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में होनी चाहिए, फोरफ्रंट में नहीं होनी चाहिए। कई बार हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, हम पहले जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर स्वार्थ, हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, है ना। फिर उस लेंस से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे देखते हैं, देखता हूँ मैं आगे क्या होता है। बाकी हर व्यक्ति के अंदर यह तो अपना कुछ गड़बड़ी लेके आया है, ऐसा हम लेके चलते हैं और फिर परीक्षण करना शुरू करते हैं। हाँ लगता है ये बात तो उसने ऐसी नहीं की, ठीक ही, ये बात भी ठीक थी, ये बात भी ठीक। ऐसे लंबे परिष्करण के बाद हम निष्कर्ष पे होते हैं, हाँ क्योंकि मैंने 100 बार देखा कि ये सही था इसलिए सही है। ये एक तरीका है चीज़ों को देखने का। और दूसरा तरीका है बेसिकली हम लेके चलते हैं वो सही ही हैं, आए हैं भगवान की सेवा करना है, अच्छी भावना से आए, ठीक। फिर हमें दिख रहा है कि नहीं यार यहाँ पर तो उन्होंने ऐसा किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 50 बार, तो हमें जा करके लेगा नहीं ये तो इनकी भावना सही नहीं है, है ना। तो इन जनरल लव एंड ट्रस्ट का माहौल होना चाहिए। उसमें यदि बार 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 ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं जिसमें हमें लग रहा है कि इनकी भावना गलत, तो हम जा करके उस निष्कर्ष पे आ सकते हैं। वो भी फिर निष्कर्ष पे आने से पहले फिर हमें अन्य वरिष्ठ भक्तों से या अन्य जो गंभीर भक्त हैं उनके संदर्भ में उनकी क्या समझ है वो भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, है ना। तो बहुत सावधानी से हमें किसी व्यक्ति के इंटेंशन के ऊपर निर्णय पे आना चाहिए। और दूसरी और चीज इससे हम क्या देख सकते हैं, इस जो हमने ये वृत्तांत पढ़ा और क्या समझ सकते हैं, आपस में ऐसे हमारे मतभेद हो रहे हैं तो और एक और क्या चीज करनी चाहिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जो गर्भमुनि की गतिविधियां हैं वो अध्यक्ष प्रेसिडेंट के द्वारा स्वीकृत की गई हैं, ठीक है। तो एक और चीज हमें क्या देखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति की जो एक्टिविटीज हैं क्या उसके अधिकारियों के द्वारा वो स्वीकृत है नहीं, ठीक है। मेरा एक अनुमान बन रहा है
कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं क्या वो इसको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करेक्ट, दूसरा विषय। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो किसी एक हायरार्की में गवर्न्ड हो रही हैं। एक कोई अध्यक्ष होता है, उसके अंडर में कुछ होते हैं, उसके अंडर में कुछ होते हैं, तो इसलिए हम अपना व्यक्तिगत जजमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। कोई भी एक्टिविटी कोई व्यक्ति कर रहा है, हो सकता है उसके जो सीनियर्स हैं वो देख रहे हैं उसको, वो अप्रूव कर रहे हैं, हो सकता है वो त्रुटिपूर्ण भी कुछ कर रहा हो, लेकिन कई बार अथॉरिटीज़ को कोई व्यक्ति अगर त्रुटिपूर्ण भी कुछ कर रहा है तो उसको करने देना पड़ता है, करते करते सीखेगा, कुछ बहुत अच्छा भी कर रहा है, थोड़ा कुछ गलती भी है इसके अंदर, तो उसको अलाउ करना पड़ता है कि ठीक है कर रहे जाओ, कोई बात नहीं, भक्ति करते जाओ, है ना। तो कई बार हम जो अथॉरिटीज़ हैं, हम तो अथॉरिटी नहीं होते हैं, हम उस स्तर पर भी नहीं होते हैं, हम उस स्तर पर आयोजन भी नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उस स्तर पर रह के कैसे कैसे आयोजन होता है, क्या क्या करना चाहिए, वो हमें ज्ञात नहीं होता है। जैसे कोई कंपनी है, अभी कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टाफ है और एक कोई जनरल मैनेजर है, तो एक जनरल मैनेजर को किस तरह से डील करना है उसका एक अलग स्तर है, और एक उसके बॉस सबॉर्डिनेट में कोई स्टाफ मेंबर है, उसको इस सब की अनुभूति नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने नज़रिए से सोच सकता है ये ऐसा क्यों किया, उसने इसको अलाउ क्यों किया, लेकिन क्योंकि वो उस स्तर पर नहीं है इसलिए उसके लिए समझना मुश्किल है कि उस स्तर पर कैसे कार्य होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भक्त की कोई एक्टिविटी हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि जो उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या इस विषय में परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, उससे भी हमें देखना चाहिए। और एक और चीज़ हम यहाँ पर देखें कि बड़ा स्वाभाविक है, कुछ मतभेद होंगे, कार्य करने की शैली में अंतर होंगे, उसको इतना बड़ा मत लीजिए, मतभेदों को बहुत बड़ा मत लीजिए, वो हमारे साथ में हम संग छोड़ दें उसका कारण नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फिर आगे शिल प्रपा लिखते हैं, हमें छोटी छोटी घटनाओं को भूलकर सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी एक स्थान पर दो व्यक्ति होते हैं वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ गलतफहमी होती है। ऐसी ही गलतफहमी पति पत्नी के बीच भी होती है, तो दूसरों से क्या अपेक्षा करें, परंतु हमें कृष्ण भावना मत के आधार पर सभी चीज़ों का सामंजस्य बैठाना होगा। ओके, इन पंक्तियों से हम क्या सीखें? हाँ हाँ, और अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना चाहिए। तो साथ में हमें अगर मिलकर के कॉपरेट करना है, सहयोग करना है, तो हमें सहिष्णु होना ही होगा। अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो अपनी मर्जी के मालिक हम हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा करेंगे, ठीक है, लेकिन जब साथ में मिलकर अगर सेवा करनी है तो सहिष्णु बनना ही होगा बाई फोर्स। इसमें हमारा नुकसान है कि हमारा फ़ायदा है? क्योंकि सहिष्णु होना तो भक्ति के लिए एक अच्छा गुण है ना, आवश्यक गुण है, इसके बिना हम साथ में मिलकर सेवा नहीं कर सकते, ठीक है। और सहिष्णु ना होना वो भगवान को अप्रसन्न करने वाला है, सहिष्णु होना वो भगवान को प्रसन्न करने वाला एक सद्गुण है, भगवान बताते हैं भक्तों के अंदर। तो इसलिए देखिए, सत्संग में हम सहिष्णुता के गुण को प्राप्त करने के लिए विवश होंगे। अगर हम अलग चले जाएंगे, मैं अच्छा लगता हूँ, ठीक है, क्या लग रहा है, तो ठीक है, आप फिर वो सहिष्णु बनने के गुण आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और क्या हमने सीखा यहाँ से? सहिष्णु के अंदर आते हैं क्षमा करना, वो इसका ही साथ साथ में कनेक्टेड है, क्षमा करने की भावना होनी चाहिए, है ना। ठीक है, गलती हुई, ठीक है, कुछ गलती हुई हुई होगी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ें, छोटी मोटी घटना है, ऐसी जब साथ में रहेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि लॉन्ग लास्टिंग उसका प्रभाव पड़ने वाला है, परमानेंट प्रभाव पड़ने वाला है, या वो चीज़ पूरी हमारी डायरेक्शन को गलत कर देगी, या इस प्रकार के गलत प्रभाव प्रचार में पड़ेंगे। और वो जो हम सोच रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको भी अपने सीनियर से कंफर्म कीजिए कि ये छोटा सा मुझे कभी कभी त्रुटि दिखती है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर हमें क्लियर नहीं है तो हमें पूछना चाहिए, हो सकता है हम सोच रहे हैं इसको तो इतना बड़ी चीज़ है, लेकिन उसे नहीं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो छोटी मोटी घटनाओं को भूल जाने की, क्षमा कर देने की भावना होनी चाहिए। और क्षमा करने भी ऐसा नहीं कि हमें भक्त को ऐसा नहीं एटीट्यूड होना चाहिए कि उसने मेरे प्रति अपराध कर दिया, चलो मैंने उसको क्षमा कर दिया, है ना। हमें भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम बड़े नहीं, हमारे प्रति कोई अपराध क्या करेगा, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्षमा, ऐसा नहीं कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अगर कोई जनरल कोई एक्टिविटी कर रहा है हमारे प्रति नहीं है, कोई हमें त्रुटि दिख रही है, तो ठीक है, कोई त्रुटि हो रही होगी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए उसको, ठीक हो जाएगा समय समय पर, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए।
फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ और क्या हमने इसमें जो प्रभुपाद का ये देखा और क्या चीज़ हम समझ सकते हैं, कोई और विचार जो हमने अभी पंक्तियाँ पढ़ी? अगर कृष्ण केंद्र में है उस एक्टिविटी में तो वो देखना चाहिए, अगर हम किसी से असहमत हैं लेकिन उनके जो कार्य है या सेवा है उसमें जो उद्देश्य है कृष्ण केंद्रित है तो उसमें हाँ, यहाँ पर एक उद्देश्य तो एक बात है कि उनका उद्देश्य अगर कृष्ण सेवा है वो तो एक बात है, लेकिन एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, परंतु हमें कृष्ण भावनामृत के आधार पर सभी चीज़ों का सामंजस्य बैठाना होगा। इसका तात्पर्य क्या है? हमें कृष्ण भावनामृत के आधार पर सभी चीज़ों का सामंजस्य बैठाना होगा। कोई सजेशन? जैसे सबसे पहले देखना होगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, जो हमारे एक्टिविटीज है हमारा सेंटर क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर सब लोग ऐसा समझे तो ये हो सकता है। हाँ, वो तो हो गया कि उद्देश्य। हाँ जी, और कुछ? मिशन को आगे बढ़ाना है, मेन उद्देश्य। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, कृष्ण भावनामृत के आधार पर सामंजस्य बैठाना। ठीक है, डिस्प्यूट है, मुझे लग रहा है ऐसे होना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसे होना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, फाइनली कृष्ण की प्रसन्नता का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये विचार रखते हुए कि अभी ठीक है जो भी परिस्थिति बनी है बनी है, विचार मतभेद है, वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन फाइनली अभी एक भगवान की सेवा का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो विचार रख करके प्रयास होना चाहिए। एक है, नहीं 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 मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए बस, नहीं 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 मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, ठीक है तो हम करेंगे नहीं काम, छोड़ो इस काम को नहीं करते हैं, सेवा ही नहीं करेंगे। अच्छा, हम सेवा ही नहीं करें, क्योंकि हमें मुख्य क्या है कि मेरे अनुसार कार्य होना चाहिए, कृष्ण की सेवा मेरे अनुसार होनी चाहिए, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। अगर मेरे अनुसार नहीं हो रही तो कृष्ण की सेवा नहीं हो चलेगा, पर हो तो मेरे अनुसार हो। करेक्ट, एक ये एटीट्यूड है। और दूसरा है, अरे मेरे अनुसार नहीं भी हुई, अगर उसके अनुसार हो गई तो क्या रियली इतनी बड़ी चीज़ है? अगर उसके अनुसार हो गई तो इसमें ऐसा बवंडर मच जाएगा कि बस खत्म हो जाएगा, फिर प्रचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ, इतनी बड़ी बात हो रही है क्या? उनके जो विचार हैं तो मान भी लिया जाए, चलो ऐसा करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कई बार चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हमारी ईगो बड़ी होती है। ठीक है, कई बार विचारों में जो भेद है, नहीं प्रभु ये ड्रम यहाँ होना चाहिए, नहीं 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 ये ड्रम यहाँ होना चाहिए, अरे भाई क्या इतनी बड़ी बात है कि ड्रम यहाँ है, यहाँ में इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा देखें तो, अरे चलिए मान लीजिए वो लग रहा है दूसरा भक्त बहुत, नहीं यही होना चाहिए, चलो चलो मान भी लिया उसकी बात, तो क्या इतना बड़ा फर्क पड़ जाने वाला है? कई बार ऐसी चीज़ होती है छोटी छोटी, इतनी बड़ी नहीं होती, तो ठीक है आपके जैसा आप कह रहे हैं वैसा करके देखते हैं, दोबारा बाद में देख लेंगे, अगर उससे लगेगा कि परेशानी तो बदल देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरी एक चीज़ कि मन में हमेशा केवल ये विचार रहे कि कृष्ण को, कृष्ण की सेवा के लिए क्या सही है। मतलब पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान की सेवा तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन हमें साथ में ये तो लेके चलना ही पड़ेगा कि हमारी जो ईगो है वो तो हमारे साथ में जुड़ी हुई है ना, हमारे साथ में, तो इसलिए दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं, हमारी ईगो भी आती है, तो जब चर्चा होती है और सामने वाले का कुछ और होता है तो फिर हमारी वो ईगो भी फ्लेयर हो जाती है, तो फिर हमें कई बार वो अच्छा भी सुझाव दे रहा है, दूसरे व्यक्ति का सही बात बोल रहा है वो, लेकिन वो हमें स्ट्राइक नहीं होता है कि वो सही है, क्योंकि जो हमारा मिथ्या अहंकार है वो ढक देता है हमको, और दूसरे का जो परामर्श है वो हम लोग उसको सही से सुन भी नहीं पाते। आप कई बार देखिए कि व्यक्ति दूसरा कह क्या रहा है, उसका ओपिनियन क्या है वो भी नहीं समझ पाएंगे वो लोग, उनसे पूछे बताइए तो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, नहीं नहीं तुम जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो, बस मुझे पता है बस लेकिन कह क्या रहा हूँ ये, बस जो भी हो तुम गलत हो, बस इतना हम आवृत हो जाते हैं कई बार, है ना, तो इसलिए ध्यान से सुनिए दूसरा कह क्या रहा है ना। अगर हमारी ईगो बहुत बड़ी होगी तो हम सुन ही नहीं पाएंगे, जहाँ हमें पता चला उसका विचार कुछ और है, बस हमारी अंदर से इतना परेशान हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए कुछ भी हो शांति सुनिए वो क्या कह रहा है, उसको अच्छे से विवेचना कीजिए, उस पर सोचिए क्या वो भगवान की सेवा के लिए उसको बेटर है क्या ऑप्शन, क्या उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ सही है क्या, शांति सोचिए उसको, है ना, अपनी ईगो को साइड में रख करके। ठीक है,
तो ये बात है, कृष्ण भावना मत के आधार पर सभी चीजों का सामंजस्य बैठाना होगा। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए क्या अच्छा है, ये विचार करना हो। अब मान लीजिए आपको तो लग रहा है मैं तो यही विचार कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी ईगो के आधार पर विचार कर रहा है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सीता तब रहेंगे जब हमारा पति राम होगा, अगर वो राम नहीं होगा तो हम भी कुछ और बन जाएंगे। तो ऐसा होता है फिर कि ठीक है हम तो भगवान की सेवा का आधार रखने को तैयार हैं, पर तब कंडीशन है उसमें, जब दूसरा भी ऐसे करेगा तब, नहीं तो हम भी छोड़ देंगे वो विचार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो हमारा यही विचार रखना चाहिए, चाहे दूसरे वाला व्यक्ति ये विचार से कार्य नहीं कर रहा है तो भी। मान लीजिए वो अपरिपक्व है ना, तो उसकी वजह से हम अपरिपक्व नहीं बन सकते। कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हम परिपक्व तभी बनेंगे जब दूसरा ही परिपक्व होगा, नहीं तो हम भी अपरिपक्व बन जाएंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम तो परिपक्वता से ही काम करेंगे, भले ही दूसरा अपरिपक्व हो तो भी। तो मान लीजिए दूसरा अपरिपक्व है तो फिर हमें सोचना चाहिए चलिए वो हट कर रहा है कि नहीं, उसके अभी ईगो की वजह से बोल रहा है कि नहीं ऐसा करें, तो फिर विचार करना चाहिए चलो तो अगर उसके बाद मान ही लिया जाए तो क्या इतनी बड़ी बात हो जाएगी क्या, तो चलो उसके बाद मान लेते हैं, कम से कम काम तो आगे बढ़े, है ना। इस प्रकार से हमें मैच्योरली सोचना चाहिए। ओके फिर अभी अच्छा समय हो गया 8:45 सो 9 बजे तक, तो अभी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। वैसे मुख्य तो प्रश्न हम लोग कल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज क्या 9 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, किसी को आपत्ति? ठीक है तो 9 बजे तक करते हैं और प्रश्न कल लेंगे, आज प्रश्न नहीं लेंगे, कल भी कनेक्टेड ही है तो कल हम लोग प्रश्न लेंगे। फिर दूसरा आता है हमारे दूसरा कारण क्या है, साथ में मिलकर हम सेवा करने में कष्ट अनुभव करते हैं। एक कारण तो है हमारे अलग अलग स्वभाव, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, हमारी अलग अलग कार्यशैली। दूसरा है अलग अलग अनर्थ, हमारे जो अलग अलग अनर्थ हैं उसकी वजह से हम साथ में मिलकर के सेवा करने में कष्ट अनुभव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके विषय में कुछ चीज़ें कहते हैं। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि हम माया से प्रभावित व्यक्तियों से निपट रहे हैं, हम सभी माया से प्रभावित हैं, हम सभी के अंदर अनर्थ हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सब भगवान की बहिरंगा शक्ति से के प्रभाव में हैं। माया के चंगुल से बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपना ध्यान कृष्ण की प्रेमपूर्ण सेवा में केंद्रित करें। वैसे भी भक्तों का एक गुण है कि वह अन्य लोगों के प्रति बहुत सहिष्णु होता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दूसरों के दोषों को सहन करें और हमेशा विचार करें कि हम स्वयं दोषपूर्ण स्वभाव से भरे हुए हैं। इस तरह आपका यह विनम्र स्वभाव आपको कृष्ण भावनामृत में अति तीव्र प्रगति करने में सहायक होगा। इससे हम क्या क्या सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी के परामर्श से क्या क्या पॉइंट सीख रहे हैं? हाँ, मतलब कि दूसरे के दोष दिख रहे हैं हमें तो वो हमें बहुत ऐसे नहीं हो जाने चाहिए कि उसकी वजह से हमें लगे कि अभी तो मैं इनके साथ मिलकर सेवा कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर हमारे साथ कौन मिलकर सेवा करना चाहेगा? क्यों? क्योंकि यदि वो दोष से युक्त है तो हम भी तो दोष से युक्त हैं। अगर हमारा आधार ये है कि मैं उस व्यक्ति के साथ सेवा करूँगा जो प्योर डिवोटी होगा, परम हंस, आई वॉन्ट टू ओनली एसोसिएट विद टॉप मोस्ट डिवोटी, तो फिर हमारे साथ कौन संग करेगा? कोई भी संग नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या लगता है, मैं तो प्योर डिवोटी हुई, वो तो पक्का है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मेरा संग सबको करना चाहिए, सबका प्रगति होगा, ठीक है। तो इसलिए ये विचार जरूरी है कि अगर दूसरे में कुछ दोष हैं तो हम भी तो दोषों से भरे हुए हैं, तो उसका अनुपात जो है ना, हमारे को जो प्रभावित कर रहा है उसका अनुपात अलग हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक दोष है, मेरे पास दूसरे प्रकार का दोष है, तो इतनी बड़ी चीज़ क्या है? हाँ, हम एक दूसरे को साथ में रह करके सेवा करने से तो दोष निकलेंगे, ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक ये चीज़ हमने देखी, और क्या चीज़ देखी हमने? जी हाँ, विनम्रता का गुण आना चाहिए कि अपने को, वही बात की अपने को कि हमारे अंदर भी दोष हैं, तो
ठीक है, प्रभुपाद की जो ये बोलते हैं प्रभु, हम प्रभु कह के संबोधित करते हैं, मतलब दूसरे के प्रति हमारा एटीट्यूड है कि हम वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, तो हम भी सब दोषों से भरे हुए हैं, इसलिए अपने अंदर मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। और एक और चीज़ प्रभुपाद बोलते हैं, माया के चंगुल से बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपना ध्यान कृष्ण की प्रेममय प्रेमपूर्ण सेवा में केंद्रित करें। ये एक और परामर्श है, हमारा ध्यान दोषों की तरफ नहीं हो, हमारा ध्यान हो सेवा की तरफ। कई बार क्या होता है कि जब हमें दोष दिखते हैं तो हमें दोष दोष वही हमें दिन भर दिखते हैं और वही चीज़ दिखती है, बाकी और कुछ दिखता ही नहीं। करेक्ट। तो सेवा जो हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी के कुछ व्यक्तिगत दोष साथ में कुछ हैं, छोटे मोटे चल रहे हैं, तो ठीक है, सेवा हो, सेवा तो हो रही है, सेवा पे ध्यान देना चाहिए। जो मुझे करना है, कम से कम मेरा कार्य, कभी मेरी जो सेवा है वो उससे प्रभावित हो रही है क्या, ये भी देखना चाहिए। अगर कोई दूसरे के दोष हैं तो मेरी सेवा प्रभावित नहीं है तो होने दीजिए ना, वो ठीक है, वो दोष हैं उसके, ठीक है, मैं अपनी सेवा पर ध्यान दूँ। ये एक और दूसरा महत्वपूर्ण है परामर्श, अपनी अपनी सेवा में हम लोग फोकस रहें। हाँ, अगर मेरी सेवा में कुछ रुकावट हो रही है तो कुछ विचार करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं तो वो ऐसे ऐसे बोलता रहता है, लेकिन मेरी सेवा में उससे क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ उसकी वजह से, है ना। तो ये दूसरी बात है यहाँ पर। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव होने के नाते हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब में कुछ दोष होते हैं और हम स्वयं आलोचना के पात्र हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए, अगर आप दूसरे की आलोचना करते हैं तो फिर दूसरे भी आपकी आलोचना कर सकते हैं ना। हमें दूसरों की आलोचना आसानी से करते हैं, लेकिन अपनी आलोचना सुनना बड़ा मुश्किल होता है ना। प्रभुपाद एक इंग्लिश प्रोवर्ब कोट करते हैं, इफ़ यू जज अदर्स बी प्रिपेयर्ड टू बी जज बाय अदर्स। करेक्ट। आप गलतियां निकालेंगे तो बोलेंगे आप सबकी गलतियां निकालते हैं, आपके भी आप ही देखिए ये चीज़, फिर उसमें परेशान आता है। निकालने में हमें दिक्कत नहीं होती है, सुनने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, प्रभुपाद का परामर्श क्या है, कि हम स्वयं संदेह से परे रहें। हमारा प्रयास हो कि हम संदेह से परे रहें, हमारी एक्टिविटीज़ फॉल्टलेस हो, उसमें कोई दोष नहीं हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान हो कि हम संदेह से परे रहें। फिर यदि हम दोष देखकर सही सुझाव देंगे तो दूसरे लोग स्वतः आपका सम्मान करेंगे और गंभीरता से उन दोषों को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, अपने को परफेक्ट बनाने के लिए प्रयास कीजिए। फिर संभावना है कि अगर आप दूसरों को कुछ सुधारने के लिए बात कहेंगे तो दूसरे उसको सुनेंगे। तो हमें कैपेबल बनना चाहिए कि दूसरे हमारे परामर्श को स्वीकार कर पाए। जबरदस्ती तो हम किसी को सुधार नहीं पाएंगे ना, तुम्हारे अंदर ये दोष है ठीक करो, तुम ठीक करो, ऐसे करने से तो क्या झगड़ा होगा केवल और कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो हमें अपने अंदर ऐसे सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए कि दूसरों को हम लाभान्वित कर सकें, यानी दूसरे सुनने को तैयार हो हमसे। ठीक है, तो वो फोकस हमारा होना चाहिए। और हमें लग रहा है कि हाँ ये भक्त हैं, इनकी मेरे प्रति इस प्रकार की समझ है कि मैं इनको कुछ समझाऊंगा तो ये मुझसे सुनेंगे, तो फिर हम उनको समझा सकते हैं। तो केवल सुधारने 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 के ऊपर कार्य न करके अपने अंदर सुधारने की योग्यता लाने के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, केवल बोल बोल करके सुधारने से पहले अपने अंदर ऐसी योग्यता लाना जिससे लोग हमारे बोलने से उसको गंभीरता से लें, सही तरह से लें, उसके ऊपर भी प्रयास करना चाहिए। सुधारने की योग्यता लाना, सुधारना की योग्यता बड़ी योग्यता होती है। सब लोग किसी को नहीं, कोई भी किसी को नहीं सुधार सकते। जैसे आजकल देखते हैं माता पिता ही बच्चों को नहीं सुधार पाते हैं, क्यों, क्योंकि माता पिता खुद का योग्यता नहीं है उनको सुधारने की। कई बार ऐसा होता है, या कोई भी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं ऐसा होता है। तो इसलिए
अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी को लाभान्वित कर पाएंगे, सुधार पाएंगे, तो हमारे अंदर वो योग्यता तो होनी चाहिए, है ना। तो यह स्वाभाविक सहयोग कहलाएगा। और हमें इस तरह के सहयोग पर अडिग रहना चाहिए, यह सहयोग का तरीका है। एवरीबडी ट्राइंग, सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपने को परफेक्ट बनाने का, है ना। और फिर अगर कोई तैयार है सुनने के लिए तो उनको हम बता रहे हैं, अन्यथा छोटी छोटी बात पर हम लड़ते रहेंगे तो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो और भी कुछ चीज़ें हैं आगे, वो हम कल थोड़ा देखेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे। फिर आपके कोई जो प्रश्न उससे उठ रहे हैं, आप लोग आज हम नहीं ले पाए, तो आप इसको कल लिख करके ला सकते हैं, और कल हम इसके संबंध में प्रश्न भी लेंगे। यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।